दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल घायल बाहुबली यानी कि डार्लिंग प्रभास अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म सलार के माध्यम से भैया अपना जलवा एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर दिखाने के लिए पूरी तरह से बेचैन है। यानी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से डायनासोर डार्लिंग प्रभास जो है वो ये मैसेज पूरी दुनिया के सामने भेजने की तैयारियों में जुटे हैं कि भैया जो लोग उनको लेकर ये बातें कहते हैं कि गया खत्म खलास टाटा बाय बाय हो गया, यानी कि डार्लिंग प्रभास का जलवा अब सिनेमाघरों में कभी नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए भैया वो सलार को परसों सिनेमाघरों में लेकर आने वाले हैं। और भाई उनकी इस फिल्म को पूरे इंडिया से जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको देखने के बाद अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई डार्लिंग प्रभास पर अभी भी इंडियन जनता को दिल खोल कर विश्वास है तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यानी कि भैया ये फिल्म परसों सिनेमाघरों में रिलीज हो रही ना, और भाई ये फिल्म अभी से ही यानी कि भैया पूरे इंडिया से इस फिल्म को इतना एडवांस बुकिंग मिला है, जब से इसका एडवांस बुकिंग चालू हुआ उसी को देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों से कह रहा हूँ मेरे भाई। तो अभी तक सलार को पूरे इंडिया से कितने का एडवांस बुकिंग मिल चुका है चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सलार को लेकर ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया सलार जो है वो तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा और उसके बाद भैया हिंदी लैंग्वेज में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म को सभी लैंग्वेजों के माध्यम से पूरे इंडिया से बहुत ही ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग भी मिल रहा है। तो भाई करेंट टाइम में क्या सिनारियो है सलार का? तो दोस्तों सलार को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म की अभी तक पूरे इंडिया से जो टिकट बिक चुके हैं मेरे भाई उसकी संख्या है 5,69,289, जिसकी मदद से इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में 12,84,32,121 का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया से मिल चुका है मेरे भाई। उसके बाद भी इस फिल्म के मलयालम लैंग्वेज के माध्यम से 87,309 टिकट बिक चुके हैं, जिसकी मदद से इस फिल्म को 1,29,13,434 का एडवांस बुकिंग मलयालम लैंग्वेज में भी मिल चुका है। उसके बाद भैया इस फिल्म के तमिल लैंग्वेज के माध्यम से अभी तक पूरे इंडिया में जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 38,333, जिसकी मदद से इस फिल्म को 52,33,211 का एडवांस बुकिंग अभी तक पूरे इंडिया से तमिल लैंग्वेज में मिल चुका है। देन उसके बाद भैया कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से इस फिल्म के अभी तक पूरे इंडिया में जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 8,338, जिसकी मदद से इस फिल्म को 16,26,800 का एडवांस बुकिंग कन्नड़ा लैंग्वेज में भी मिल चुका है। उसके बाद भैया इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से अभी तक पूरे इंडिया से मैं आप लोगों से बहुत ही ईमानदारी से ये बात कहना चाहूँगा कि भैया वैसा एडवांस बुकिंग नहीं मिला है जैसे कि प्रशांत नील की फिल्म KGF के चैप्टर 1, KGF के चैप्टर 2 और उसके बाद भैया कांतारा को मिला था मेरे भाई। यानी कि भैया हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से इस फिल्म के अभी तक पूरे इंडिया में जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 67,505 का, और इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में अभी तक 1,87,41,626 का एडवांस बुकिंग मिला है। देन उसके बाद भैया इस फिल्म के तेलुगु IMAX 2D वर्जन के माध्यम से अभी तक पूरे इंडिया में जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 2,534, जिसकी मदद से इस फिल्म को 22,04,050 का एडवांस बुकिंग तेलुगु IMAX 2D वर्जन के माध्यम से मिल चुका है। उसके बाद भैया इस फिल्म के हिंदी IMAX 2D वर्जन के माध्यम से अभी तक जो पूरे इंडिया में टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 131, जिसकी मदद से इस फिल्म को 77,250 का एडवांस बुकिंग हिंदी IMAX 2D वर्जन के माध्यम से मिल चुका है। यानी इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया कुल मिलाकर इस फिल्म के अभी तक पूरे इंडिया में जो टिकट बिक चुके हैं उसकी संख्या है 7,73,439, जिसकी मदद से इस फिल्म को 16,92,27,493 का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया से मिल चुका है मेरे भाई। यानी कि अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि भैया इस फिल्म को अभी तक तो पूरे इंडिया से बहुत ही ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग मिल रहा है और इस फिल्म को अभी हिंदी लैंग्वेज में एडवांस बुकिंग इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि भैया इस फिल्म का मुकाबला डंकी से बॉक्स ऑफिस पर होने जा रहा है। और भाई हम ये बात जानते हैं कि हिंदी ऑडियंस के बीच में शाहरुख खान का जलवा क्या है। यानी कि भैया एक तरफ शाहरुख खान की फिल्म है तो भैया पहले पब्लिक शाहरुख खान की फिल्म को ही चॉइस करेगी, उसी को देखने जाएगी। अगर उस फिल्म को लेकर थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता है
तभी पब्लिक इस फिल्म की तरफ आएगी। वैसे जिन लोगों को इस फिल्म को देखना है वो तो इस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे, लेकिन भाई यहाँ पर मुकाबला जो है वो काफ़ी जबरदस्त होने वाला है इन दोनों फिल्मों के बीच में। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया सलार को अभी तक पूरे इंडिया से जिस तरह के एडवांस बुकिंग मिल रहा है उसको देखने बाद आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म पहले दिन 50 करोड़ से ज़्यादा का ओपनिंग लेते हुए सिनेमाघरों में एंट्री मारने में कामयाब रहेगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।